सर पीएम मोदी यूक्रेन में मारे गए बच्चों के स्मारक में भी गए आखिर इसका क्या मैसेज है इसका मैसेज क्लियर है पिछली बार जब वो रूस की यात्रा पर गए थे हमला हुआ था बच्चे मारे गए थे उस दिन कहा था सैंतीस लोग मारे गए हैं छः सात बच्चे हैं लेकिन बाद में यूएनओ की रिपोर्ट ने कहा कि अब तक दो हजार बच्चे जो है वहाँ पे यूक्रेन में मारे जा चुके हैं रशियन हमलों के अंदर जो तो वहाँ पर गए थे इसलिए वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी एज ऑनर्ड द मेमोरी ऑफ चिल्ड्रन हुर किल्ड ड्यूरिंग रशियन अटैक्स वहाँ जाके जो है उन्होंने एक वहाँ बत्तीस जुलाई वहाँ पे एक खिलौना रखा उस स्मारक पे बच्चों के लिए जो बना हुआ है एक अखबार ने बड़ा अच्छा लिखा इस यात्रा को जो समप किया तो उसने कहा कि वाम हग ए साइलेंट प्रेयर एंड ए टॉय अब ये आइडिया तो नरेंद्र मोदी लाते हैं ना कौन लोग सुझाते हैं उनको या खुद सोचते हैं वो कि बच्चों के उसमें गए तो एक खिलौने से ज़्यादा जैसे कहना चाहिए श्रद्धांजलि दूसरी हो नहीं सकती अच्छी बड़ी एक खिलौना उन्होंने वहाँ पर रखा तो इमोशनल सीन था तो गए और इसका महत्व तो उस घटना को रिवर्स करना था ऐसा नैतिक सहानुभूति बताना था कि वो हमला गलत था रशिया का बच्चों के हॉस्पिटल पे। मैं आ जाया हूँ मैं सावाओं पे खड़ा हूँ या मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ यहाँ तो इस एक तरह से इनडायरेक्टली ये पोलैंड को भी नैतिक समर्थन देना था अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन वैल्यूज़ दिस इज